माइक्स नो विद आकाश योर होस्ट एंड यूनिक मेलोडियस दोस्त, और आप कुछ रूम का अलग सा ही फील आ रही है ना. सो हम रुके हैं हॉस्टल में, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस मिला है मुझे और आकाश को इन दोनों की बदौलत. ये तो बच्चे हैं ही अभी, इन्होंने हमें भी बोला है कि बच्चों की तरह पूरी लाइफ को हर एस्पेक्ट जियो. सो यार यहाँ पे हॉस्टल वाली फीलिंग, मैं रात को यहाँ आकाश ऊपर, भैया भानु ऐसे सोए, तब मजा आया ना. और कल बर्थडे भानु का बहुत एंजॉय किया. और अब आज की जर्नी वापस शुरू करते हैं, कैंपिंग लाइफ में वापस आते हैं और निकलते हैं यहाँ से. प्लान कर रहे हैं अभी कि कहाँ कहाँ जाना है, आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताएंगे. आज बड़े हैंडसम लग रहे हो. थैंक यू. जाओ जाओ जाओ. या फ्रॉम पंजाब या इंडिया? यू फ्रॉम पंजाब, राइट? सिक कंट्री, दैट्स फ्रॉम द सिक्स. कंट्री इज इंडिया सर. ओके. पॉलिटिकल आंसर. हे यू आर फ्रॉम कंट्री? नीदरलैंड्स. नीदरलैंड्स. सो ये सभी है नीदरलैंड से. आई एम स्पीकिंग हिंदी. सो ये सभी नीदरलैंड्स एंड सो एडवेंचरस दे आर. मतलब अंकल की एज आई डोंट नो व्हाट टू गेस. हिज एज इज वेरी लो. ही इज जस्ट एंजॉयिंग द last moments of his life. So, bye guys. कर लेते हैं आपसे प्लान डिस्कस कि आज हमें पूरे दिन में क्या करना है. सबसे पहले हमें जाना है चोस्पा, वहां से करनी है अपनी ग्रोसरी शॉपिंग, और उसके बाद आज हमारा प्लान है कि हम फाइनली आगे मूव करेंगे खारदुंगला के लिए. तो बने रहिए ब्लॉग के एंड में, और कैसा रहेगा वहां पहुंच के, क्या मस्ती कर पाएंगे हम. गाड़ी कितनी थी? गुम हो गई. सो जो कपड़े हमने धोए थे हॉस्टल में, अब हम आ गए उनको सुखाने का टाइम. सो अभी गाड़ी पार्किंग में लगाई है, तो हमने सोचा कि कपड़े यहाँ पे सूख जाएंगे क्योंकि लद्दाख की गर्मी ऑलमोस्ट पंजाब की गर्मी है, बस हाइट ज्यादा है. नहीं मुझे पसंद है. गाइस आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा था लेमन आइस टी. अच्छा भैया आइस थोड़ी कम रख रहा है क्योंकि कल हमारी एक कंप्लेंट थी, आइस बहुत ज्यादा थी जहाँ से हमने पी थी ना, तो आइस कम. ठंडा होना चाहिए. अरे गरम आइस तो मिलती भी नहीं है यहाँ पे, ठंडी हो गया आइस तो. यार मुझे थोड़ा ब्रेकफास्ट में वो बताओ यार, थोड़ा सजेशन. सो भाई बच्चा जो है ना वो सॉक्स बेचने आया था क्योंकि उसको ब्रेकफास्ट करना था, तो सागर भाई ने बोला कि हम ब्रेकफास्ट कराते हैं. तो उसको पूछा कि क्या लाना है, उसने ऐसे मेन्यू खोला और डिश पे हाथ रख दिया, और जैसे ही हमने फोटो देख के और अच्छा अच्छी बात पता है क्या, जैसे ही वो डिश ऑर्डर लेने के लिए वेटर आए ना, तो उनको बोला कि भैया मिर्ची थोड़ी तीखी रखना. गाइस हम लोग खारदुंगला पहुंच चुके हैं. और ये खारदुंगला की मार्केट में हम ये खाने वाले हैं क्योंकि हमने जहां से ये परचेज किया है उनको प्रॉमिस किया था कि हम खारदुंगला जाके खाएंगे. गाइस बिल पे बिल बनता ही जा रहा है, बट अब हम जैसे अब अगले कुछ 15 दिन तक शॉपिंग नहीं करेंगे. उतना हम ध्यान आप प्लीज डेट देख लेना नेक्स्ट 15 दिन का. आप शॉपिंग करके हम बढ़ चले हैं आगे, और आज हमने पेड पार्किंग के अंदर पार्क किया था क्या पहली बार. बट अगर आप सिटी में हो तो आई विल से कि आपको पेड पार्किंग में ही पार्क करना चाहिए, आप रिस्क फ्री रहते हैं. प्रिया सो इनसे की आज हमने वेजिटेबल शॉपिंग और बहुत अच्छी हुई, और बस आगे निकलते हैं. और मीनवाइल आकाश बना रहे हैं पास, जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में डिटेल ब्लॉग में डेफिनेटली बनाने वाली हूँ उसके बाद, और आपको पूरी नॉलेज देंगे उसमें किस तरह से पास बनाना है और कैसे वो रिक्वायरमेंट्स उसकी कैसे पूरी होंगी, सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे. फाइनली हम जा रहे हैं हमारे सपने को पूरा करने खारदुंगला पास, खारदुंगला रोड पे.
और हमें तो लगा मार्केट में से जाएगा, लेकिन ये तो डिफरेंट रूट है, स्टार्टिंग में इंक्लाइनेशन इतना सारा है, सो बहुत मजा आने वाला है। हम ढूंढते ढूंढते हम पता नहीं कौन से रास्ते पे चढ़ गए, अब जाके मिला है हमें फाइनल सही रास्ता। पूरी ले सिटी पीछे छोड़ दी है, लेकिन पेट्रोल पंप हमें नहीं मिला और हमारे पास कुछ 300 किलोमीटर का डीजल है, अगर आप कम से कम मान लो तो 200 किलोमीटर का है। और शाम को जो आपको हमने ब्यूटीफुल सी साइट दिखाई थी, गोम्पा दिखाया था, उसका रोड यहाँ से है, पूरा सिटी को छोड़ के आना पड़ता है। शुरुआत में ही पहला ट्रैफिक, ट्रक के आगे जो गाड़ी है ना वो पीछे नहीं हट रही है, इसलिए अच्छा आगे भी ट्रक है। ओ तो इस वाले ट्रक को पीछे जाना पड़ेगा, ट्रक है ना यार, भाई का थोड़ा फोकस करके पढ़ो कि इनने क्या लिखा हुआ है पीछे, माय ट्रक इज माय होम। थोड़ा सा और यार, सो माय ट्रक इज माय होम ऑन द, ऐसा म्यूजिक तो इनके पास भर के होता है। हमें फिर से बोल देते लास्ट ट्राई, माय ट्रक इज माय होम ऑन द रोड। सो आकाश दिस इज आवर ट्रक नाउ, माय बोलेरो इज माय होम ऑन द रोड। तो भाई हम खारतुंगला से सब इतने ही दूर पे कैंपिंग कर रहे थे इतने दिन से, और अब फाइनली मौका मिल चुका है हमें वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास पे जाने का। हाउ यू फीलिंग आकाश फॉर द फर्स्ट टाइम? फुल ऑफ एनर्जी, वेरी गुड। बहुत बहुत मुबारक हो, पेट्रोल पंप मिल गया हमको, जो कि बिल्कुल ले सिटी को एकदम छोड़ने के बाद है, कम से कम 3 किलोमीटर के बाद, ऑन द रोड टू खारतुंगला। सुबह डीजल हो गया है फुल और सामने भर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि पानी आगे मिल तो जाएगा बट तब भी होना चाहिए अपने पास पानी। इसके बाद गाड़ी की हवा चेक कर लेते हैं। सो भाई 656 किलोमीटर की रेंज बता रही है अपनी बलेरो, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको 800 किलोमीटर तक फिर लेके जाएं। चलो सफर करते हैं स्टार्ट आज का। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सो यहाँ लिखा है यू आर ऑन द हाईएस्ट, वन ऑफ हाईएस्ट मोटरेबल रोड। फ्रॉम हेयर वी आर एंटरिंग टू कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मुझे लगता था जो K2 माउंटेन है वो तो सिर्फ पाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में पढ़ के थोड़ा सा मैप का और ज्योग्राफी का नॉलेज और बेहतर हो गया। ट्रैफिक नंबर 2, यहाँ पे पहुंचते हुए हमें अभी कुछ ही समय हुआ है और हमारा दूसरा ट्रैफिक लग चुका है, क्योंकि रोड ब्रॉडन हो रही है जिसकी वजह से जगह जगह पे काम लगा हुआ है। न्यूज कृपया अपना पेशेंस बनाए रखें। Yes. यार लाइफ ना टफ है पहाड़ों वाली, मतलब जब आप जा रहे हो तो रिस्क लेके चल रहे हो। बिल्कुल सामने लैंडस्लाइड हुआ है और यहाँ ऊपर देखो आप कंडीशन कैसी है, पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। भगवान ना करे कि इनमें से किसी पत्थर को लगे कि मुझे नीचे जाना है, तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इसके बाद कोई रास्ता नहीं है इधर, यहाँ से सीधा नीचे ही है फिर। गाड़ियाँ ऊपर से आ रही हैं, उनको भी यहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया नीचे की तरफ, ये ऑफ रोड वाले रास्ते जा रहे हैं, लेकिन कच्चे रास्ते ले सिटी की तरफ ही जा रहे हैं। जिन्होंने जाना है खारतुंगला उनको अभी वेट ही करना पड़ेगा, जो कि हम वेट कर रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि अभी लंबा ट्रैफिक नहीं लगा, हम तीसरे नंबर पर ही हैं, हमें लगभग 25 मिनट हो चुके हैं और मुझे लगता है कि शायद और अगले 10-15 मिनट ये ट्रैफिक रहेगा। तो आप ऐसे जब रास्तों पे आते हो तो लैंडस्लाइड के लिए आप एकदम रेडी रहें। ट्रैफिक बहाल हो गया, हमारे भी सांस पे थोड़ी सांस आई, एसी लग पाया। एक्सपेक्ट किया था रोड एकदम मक्खन की तरह होगी, लेकिन यहाँ पे तो बस गाड़ी गड़गड़ 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 कर रही है भाई, गाड़ी के अंदर पंजर हिला दिए इस रोड ने तो। टायर की हवा कम करना जो डिसीजन था सही था हमारा। और दूसरा आप एक चीज समझो, यस, कि एक तो आप इतनी हाइट ले रहे हो एल्टीट्यूड, ऊपर हाँ। से जब रोड खराब होती है ना तो सबसे टफ काम है ये, मतलब उस समय पे ड्राइव करना बहुत ही रिस्की सिचुएशंस हो जाती है। ये तो अच्छी बात है कि ले में बारिश नहीं होती इस साइड पे, हाँ। अगर यहाँ पे बारिश होती हो तो फिर समझ लो काम हो गया। बट अब इसके साथ ये तो उसके हो गए ड्रॉबैक्स, अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। सो भाई BRO इन रोड्स को वाइडन कर रहा है, आपने पहले देखा कि कितनी नैरो रोड थी पीछे और ये रोड कितनी ब्रॉडन है,
सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। बाकी अब चलते हैं, जहाँ तक ऐसी रोड मिलेगी जाना तो है ही, रुक तो सकते नहीं। फ्रॉम हियर वी विल से बाय बाय टू ले। कितना सुकून मिलता है रोड में अगर लैपटॉप लगा हो तो। नहीं मिलता, नहीं मिलता। देख लो फिर से आ गई आकाश, गाड़ी ऐसे चला रहे जैसे फॉर्मूला वन हो इनके पास। और पता है मुझे क्या लगता है कि अगर योगी जी यहाँ के पीएम होते तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता पक्का, इस पास का नाम खारदुंगला हो ही नहीं सकता है, ना होना नहीं चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था सब हिला डाला पास। क्या सब हिला डाला इसने, गाड़ी के सारे अंजर पंजर, मेरे अंजर पंजर सब हिल रहे हैं। तो अगर योगी जी आप मेरी बात सुन रहे हो और आपके लद्दाख के जो सेंट्रल में जो भी देखते हैं, मुझे नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स की, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इसका नाम सब हिला डाला पास कर दीजिए आप। हाँ, आपकी रिक्वेस्ट पे तो पक्का ही कुछ करेंगे वो। नहीं, वो हमारा वेट कर रहे थे, मैं तो डरी गई। नहीं, कुछ कह रहे हैं, मैं डर गई थी। मैं ये गाड़ी ऐसे बीच रास्ते में रोक दी। चलो, है आपका तीसरे स्टॉप में जहाँ पे गाड़ी रोक के काम किया जा रहा है, कृपया थोड़ी देर अपना पेशेंस बनाए रखें। ये है लास्ट पॉइंट जहाँ से दिखता है फुल ले सिटी का व्यू जब हम जा रहे होते हैं खारदुंगला पास के लिए। पर तो सिर्फ इस एक रिवर के सहारे ऑलमोस्ट ले सिटी बसा हुआ है, सिर्फ एक ले रिवर के सहारे जो कि खारदुंगला से आता है पानी, जिसका कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड काफी ही टफ हो चुका हुआ है। बट हाँ, उम्मीद है कि काफी कुछ बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी टफ है क्योंकि एकदम से ट्रैफिक कहीं हो जाता है, पास करना है, कहीं से पत्थर है। हाँ, हिम्मत बनाए रखनी है अपनी। फाइनली टूवर्ड्स द ट्री, टूवर्ड्स कॉन्करिंग द ब्यूटिफुल माउंटेन रेंज ऑफ खारदुंगला। आज तक सिर्फ सोचा ही था इसके बारे में, लेकिन फाइनली वो चांस हमें मिल रहा है कि हम कॉन्कर कर पाएंगे द माइटी खारदुंगला। यहाँ पहुंच के तो फील ही बदलता जा रहा है एकदम, मेरे पास शब्द खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, एल्टीट्यूड बदल गया, हालात बदल गए, और यहाँ देखो व्यू भी बदल गया यार। Although, अब कॉन्कर करना वैसी बातें नहीं रह गई हैं, क्योंकि रोड्स बहुत अच्छी हैं, बीआरओ एंड गवर्नमेंट ने मिलकर बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं इन जगहों पे। टिल द टाइम हमने आपको दिखाया ले जो बहुत ही प्यारी सिटी है, उसके नियर बाय एरियाज, और अब यहाँ से हमारा एडवेंचर शुरू होता है और आपका भी। सो वीडियो के एंड तक देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा द एडवेंचरस एंड ब्यूटिफुल लद्दाख। हर मौसम ना काफी ठंडा हो गया हुआ है एकदम से, और अब लग रहा है कि गाड़ी रोक के पहले टोपियां निकाली जाए क्योंकि अब ठंड लगना शुरू हो गई है हमें। डोंट नो कितनी हाइट पे है, मैं जरा चेक करती हूँ फिर आपको अपडेट देती हूँ। आपकी टोपी उड़ गई, इतनी हवा तेज चल रही है यहाँ पे। So, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि खारदुंगला की रोड बहुत सही हो गई है, तो मैं अपनी दरखास्त वापस लूंगा योगी जी से कि सब हिला डाला पास इसका नाम नहीं भी होगा तो चलेगा, क्योंकि बाकी के भी मक्खन कर ही देंगे रोड, मुझे लगता है जल्दी कर देंगे। सो फाइनली गाइस, वेलकम टू खारदुंगला पास। यहाँ पहुँचने के बाद भी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं इतनी ज्यादा हाइट के ऊपर खड़ी हूँ, ऑलमोस्ट हम 18,000 फीट पे हैं, बट ऐसा फील ही नहीं आ रहा है, जस्ट कैजुअल से। सो अभी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि खारदुंगला हम कैसे पहुँचे और किस तरह का रास्ता है। सो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक ब्लॉग्स होते हैं ना जिसमें आपको ऐसा डरा दिया जाता है कि यहाँ पहुँच नहीं पाओगे, टफ है, ये है, वो है,
टफ वर्ड को रिमूव कर देते हैं, वो थोड़ा सा आप उसको इग्नोर कर सकते हो। अगर आप एक हिली ड्राइवर हैं, आपके पास लो एंड टॉक व्हीकल है, उस व्हीकल कोई भी चलेगा, ऑल्टो भी चलेगी, लो एंड टॉक फर्स्ट गियर पे लेती है ऑल्टो भी, तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी व्हीकल है तो आप ऐसे पास पे आराम से आ सकते हैं। तो क्या करना है, ऑक्सीजन की भी यहाँ पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है जिनको ऑक्सीजन का इशू रहता है, आप एक ऑक्सीजन का कैन साथ रखिए, पानी पीते रहिए। अगर आप पानी पीते रहेंगे और आपको ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी, भाग दौड़ मत कीजिए यहाँ पे, इतनी फिजिकल एक्टिविटी मत कीजिए, सो बहुत ईजी है, आप आइए आराम से इंजॉय कीजिए। डरने वाले जो ब्लॉग्स होते हैं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट यस उतना भी नहीं डरना है कि आना ही नहीं है, आप आओ आराम से। लेकिन इससे ऊंचा भी कुछ है, वहाँ भी आपको लेके जाएंगे, लेकिन अभी फील लेना है हमें खारदुंगला पास का। सो रीचिंग एट अ टॉप और वहाँ कुकिंग नहीं करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपके पास कैंपर वैन है तो ये सारे फायदे और एंजॉय आप भरपूर कर सकते हैं। सो फटाफट से हमने अपना पास्ता निकाला और इसे बनाया, एंड इट वाज रियली यम। सो भाई पास्ता बनके तैयार है 17,882 फीट के ऊपर। चलो ये गाइस करेक्ट कर देना प्लीज, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है, बट बहुत मजा आ रहा है। कैंपर वैन के फायदे यही है। प्रोटेक्शन और आ गए, और दो आ गई। रीचिंग एट द माइटी खारदुंगला वॉज रियली अमेजिंग, लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो बहुत ही हॉरेबल था। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ले भाई तेरे हिस्से का खाना मैंने फिर दे दिया। भाई एनर्जी की ना कोई उम्र नहीं होती है, आप ये देखिए गेज देखिए, और ये लोग अभी बाइक राइड करके आए हैं खारदुंगला। सो यार इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी हेडेक की, सिर्फ हेडेक था, क्यों था ऐसा नहीं है। तो हमने क्या किया, गार्लिक ले लिया, और ये एक नेचुरल रेमेडी है जो हम आपको बता रहे हैं, और हम इसका प्रयोग कई टाइम से कर रहे हैं। जब भी आपको लगे कि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है तो आप गार्लिक ले लीजिए, या फिर जैसे ऑक्सीजन का कुछ इशू है तो गार्लिक हेल्प करेगा। कि अगर आपको हल्की हल्की सी माइल्ड सी हेडेक शुरू हो जाए तो उस टाइम आप इंस्टेंटली गार्लिक खा लीजिए, एंड देन इट्स ऑल ओवर। सो ये आप कर सकते हो, और ये प्रॉब्लम होना ना कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रॉब्लम हो गई तो फिर हम एकदम डर गए, भाग गए। बेसिकली इट्स नॉट प्रॉब्लम। यस आप यहाँ पे रोज नहीं रहते हो, यूज्ड टू नहीं हो, कभी कभी आते हो इसलिए एकदम से लगता है। तो बस गार्लिक खाओ, अपना हेल्थ स्टाइल अच्छा रखो आप, जैसे हम रोज योगा करते हैं तो वो काफी बेनिफिट करता है हमें। लद्दाख में भी आपको इस तरह के पानी के खुले झरने दिख रहे हैं। माइटी खारदुंगला पास को हमने क्रॉस कर लिया सक्सेसफुली, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अब बढ़ रहे हैं आगे हम नुब्रा वैली के लिए। ये पूरी रेंज हमारे लिए एकदम नई है, बिल्कुल नया एक्सपीरियंस और अनोखा भी, और यहाँ भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए अनोखी और नई नई जगहें कैंपिंग के लिए आपको दिखाते रहे और आपको भी सजेस्ट करें। सो में यॉक्स दिखना शुरू हो चुके हुए हैं। नुब्रा वैली में जाके हम डबल हम कैमल भी देखेंगे। गलत गाड़ी ज्यादा ही बढ़िया है तो लोग रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा लेते रहते हैं, है ना। सो भाई अपनी कैंपर वैन सेट हो चुकी है यहाँ पे, और सागर भाई ने वहाँ पे सेट कर दी है, और हमारा हिप्पी फिर आ गया है यहाँ पे। ये तो हर जगह पे आना जरूरी है, मैंडेटरी है हमारे लिए। सो इसके लिए भी कुछ ब्रेड या रोटी वगैरह निकालते हैं, और मैडम जी को लग रही है ठंड तो वो पीछे की सीट पे जाके बैठ गई हैं, कि कह रहे हैं मैं पहले विंटर क्लॉथ्स पहनूंगी फिर आऊंगी। सारी सर्दी मैं नहीं आऊंगी बाहर अब। और अंदर हमने इतना मैस कर रखा है ना, अरे 5 मिनट का टास्क है सारा अभी क्लियर। इसको कम्प्लीट करते हैं और इसके बाद पियेंगे गर्मा गर्म चाय।
सो फाइनली टेम्पर वैन अपनी सेट हो गई है और किचन हमने कर दिया है ओपन। जब तक अंदर का थोड़ा सा काम चल रहा है तब तक के लिए चाय बनाते हैं क्योंकि ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा और मौसम भी ना एकदम ड्राई ड्राई सा है और हमने वाटर इनटेक उतना ज़्यादा नहीं किया है, तो चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर करेंगे डिनर का अरेंजमेंट। कितनी देर लगेगी गाड़ी सेटअप होने में? 10 मिनट। पहले 5 मिनट बोला था इन्होंने, ये याद रखना आप। हमारी गर्मा गर्म चाय यहाँ पे रेडी हो गई। इज इट गुलाबो और सिंपल सिंपल कैसे? तो भाई चाय बन चुकी है और सागर भाई को बानू दी को चाय मिल गई है। चाय का फीडबैक मेरी तरफ से बहुत जबरदस्त है। उनसे कैसी लगी चाय? अच्छी है सर्दी कम करने के लिए। और अभी फीडबैक लेते हैं जिनके टेस्ट बड्स बहुत ज्यादा चलते हैं। गाइस इस टाइम ना ठंड का टाइम है और हम जस्ट खारदुंगला से नीचे उतरे हैं 1000-2000 फीट। चाय बहुत ही प्यारी है, बहुत ही स्वादिष्ट है क्योंकि मीठा भी नॉर्मल है, पत्ती तेज है, मेरी टाइप की चाय है। बाकी ये बाहर होता है क्या? प्यारी है तो ऐसे कह रहे हैं जैसे गोद ही ले लेंगे। मैंने अभी टेस्ट किया, जल्दी चाय टेस्ट कीजिए, हमारे पास स्टोरेज बहुत कम है। हेलो भाई, मुझे बहुत सारी तारीफ मिल गई है बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाय दोबारा बनाऊंगा। लेकिन तक कॉपीराइट नहीं है। छोटी सी प्रॉब्लम है, इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, वोमिट हुई है। हमें लग रहा है कि शायद इनको सर्दी लगी है। जब पास क्रॉस किया था तो हमने इतने ज़्यादा विंटर्स नहीं पहन रखे थे और मे बी जो खाना था ना दिन में नहीं खाया था ढंग से, हमने सुबह ही ब्रेकफास्ट किया था तो मेडिसिन लिए रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे अपना खाना रेडी हो गया है। इनको खाना खिलाते हैं और इसके बाद देखते हैं अगर तबीयत में कोई दिक्कत वैसे तो नहीं आनी चाहिए बट अगर आती है तो फिर रात को देखेंगे क्या होता है। भाई दलिया बनके रेडी है एकदम, कुकर खोलते हैं देखते हैं कैसी खुशबू आ रही है। खुशबू तो अच्छी आ रही है बट देखते हैं कि बना कैसा है। दलिया तो बन चुका है, बस इसमें पीनट्स की कमी है और पीनट्स वैसे भी बानू दी खाते नहीं है तो वो खुश होंगे कि। तो सबसे पहले डालते हैं शेफ के लिए क्योंकि रिव्यू वहीं से आना है। तो ये है शेफ के लिए और इसमें मैं डालता हूँ हमारे लिए। और श्रीमती जी की तबीयत खराब है तो उनको आज बेडरूम सर्विस मिलेगी। भाई डिनर हो गया है अपना और अब करते हैं सोने की तैयारी क्योंकि टेम्परेचर ऑलमोस्ट 5 डिग्री के आसपास है। मेरा टेम्परेचर मीटर नहीं मिल रहा है अंदर, तो कल सुबह देखेंगे कि कितना टेम्परेचर मॉर्निंग का रहा है उससे गेस करेंगे। और ठंड है काफ़ी ज़बरदस्त तो प्रेपरेशन भी अपनी वैसी है। अभी सोते हैं और कल सुबह मिलते हैं आपके साथ एक नए व्लॉग में, एक नई शुरुआत, और आपको लेके चलेंगे अब नुब्रा वैली में काफ़ी डीप के अंदर। गुड नाइट गाइस।